मेरे रोटरी क्लब के साथियों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने जो मिलकर मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर के रोटरी क्लब को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। हमारे रोटरी क्लब हमेशा परोपकार के कार्य करता है, जैसे अन्नपूर्णा में ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, ज़रूरतमंद बहनों की शादी करवाना, बच्चों की पढ़ाई करवाना व और भी। जिंदल जी एक युवा है और शिक्षित है, उसकी जो सोच है वो बुलंदियों पे जाने की है और रोटरी को बुलंदियों पे ले जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। सरकार द्वारा, सुरभि सरकार द्वारा कैथल में रोटरी को सौगात दी है, रोटरी चौक व रोटरी में नया हॉल बनाया जाएगा। यह सामाजिक कार्यों में हम बात करें तो हम जो गरीब तबका है, झुरपुंग तबका है, जो बिल्कुल लोअर लेवल का है, वहाँ तक हमारी रोटरी पहुँच करती है, उनको और इस प्रकार कार्य करेंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी कि सुनील जिंदल की टर्म में काम हुआ। मेरे रोटरी क्लब के साथियों ने, भाइयों ने, दोस्तों ने जो मिलकर मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सबके साथ मिलकर, सबको साथ लेकर के रोटरी क्लब को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाऊं। हमारे पूर्व प्रधान जितने भी आज तक हुए हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे कार्य किए हैं, मैं उनकी उसी कड़ी में उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अपने तन मन धन से रोटरी के लिए अपना एक साल पूरा समर्पित करके रोटरी को एक नई बुलंदी तक लेकर जाऊंगा। सुनील जी, किस तरह काम जो है वो रोटरी क्लब के रहते हैं, समाज सेवा को लेकर या धार्मिक या किसी भी कार्य? देखिए, रोटरी क्लब एक इंटरनेशनल संस्था है और ये शुरुआत से ही सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती है, मेडिकल के कार्यों में भाग लेती है। सामाजिक कार्यों में हम बात करें तो हम जो गरीब तबका है, झुरपुंग तबका है, जो बिल्कुल लोअर लेवल का है, वहाँ तक हमारी रोटरी पहुँच करती है, उनको राशन की ज़रूरत है, उनको पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, कंप्यूटर की, बाइसाइकल्स की, बेंचेज की, उनकी हर तरह की हम ज़रूरतें पूरी करते हैं। सर्दियों में हम स्वेटर्स की, इनर्स की ज़रूरतें उनकी पूरी करती हैं। लेकिन इस साल हम कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जैसे कि बच्चों को 6 महीने का एक हार्ट्रॉन से कोर्स करवाएंगे, जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ताकि बच्चा जा करके कल को सरकारी जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी भाग ले सके, ऐसा एक उनको सर्टिफिकेट देंगे। इसके अलावा हम ITI में भी जो बिल्कुल जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी 6 महीने की ट्रेनिंग करवाएंगे, कोर्स करवाएंगे। मैं मनोज गोयल रोटरी क्लब का कैशियर बना हूँ और मुझको जिम्मेवारी है, सुनील जिंदल जी ने दी है, हम इनके साथ तन मन धन से खड़े हैं और रोटरी को ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। रोटरी क्लब द्वारा तरक्की के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे, जिस प्रकार नगर परिषद की सरकार द्वारा, सुरभि सरकार द्वारा कैथल में रोटरी को सौगात दी है, रोटरी चौक व रोटरी में नया हॉल बनाया जाएगा, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम जिस प्रकार शहर चमक रहा है उसी प्रकार रोटरी को चमका देंगे और इस प्रकार कार्य करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि सुनील जिंदल की टर्म में काम हुआ था। किस तरह काम जो है वो रोटरी क्लब के रहते हैं? रोटरी क्लब हमेशा परोपकार के कार्य करता है, जैसे अन्नपूर्णा में ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, ज़रूरतमंद बहनों की शादी करवाना, बच्चों की पढ़ाई करवाना व और भी, मतलब न जाने काफ़ी कार्य हैं जिसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो नए प्रधान को बनाना था। सुनील जिंदल जी एक युवा है और शिक्षित है, उनकी जो सोच है वो बुलंदियों पे जाने की है और रोटरी को बुलंदियों पे ले जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट नए आएंगे जो कि एक बिल्कुल हटके होंगे और आपको ये दिशा निर्देश वो होगा, आपको समाज को, गरीब तबके को उठाना है शिक्षा के क्षेत्र में और साथ साथ उनको ऐसे वो दुआएं प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जिससे कि इनको रोजगार मिले, जो कि आज दिन तक रोटरी ने नहीं की है। तो जब हमें ये पूर्ण विश्वास है अपना पूरी जिंदगी पे और उनकी टीम पे कि हम जो है उनको पूरे सहयोग देंगे और जो नए आयाम स्थापित होंगे वो आप भी देखेंगे, शहर भी देखेगा और पूरा डिस्ट्रिक्ट देखेगा।